शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ए मधु, कहाँ खो गई? लगता है ये तो क्लीन बोल्ड हो गई। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं, फैसला है भैया। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी अपने राजा के पास, चाहे तुम मुझे भी गोली मारो। नहीं। बाकी ये बिरजू पतंग वाला जो भी कुछ है वो आप लोगों के आशीर्वाद। अरे भाई, पर वो अपना भतीजा भाई की जरा हाँ, हाँ, है ना, इधर ही वो देखो थोड़ा। झुक झुक दियो मेरे भाई, झुक झुक दियो। काश आज माँ और बाबूजी जिंदा होते तो कितना खुश होते। भैया, मैंने माँ और बाबूजी को तो नहीं देखा, पर जब जब आशीर्वाद देने के लिए आपने मेरे सर पर अपना हाथ फेरा, मुझे उनका ही स्पर्श महसूस हुआ। देखा काका, कल तक ये मेरी गोद में खेल रहा था और आज आज कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। चल चल जाके केक काटे। भैया वो मधु। हाँ, और मधु के बगैर तो तुम केक काटोगे नहीं। हाय। भाई का जन्मदिन मुबारक हो बृजनाथ। अरे वाह, राजा और रानी। हाँ, तुम राजा, मैं रानी। राजा तो मैं हूँ ही, पर तुम तो मधु हो। हाँ, ये बात तो सही है, तुम मेरे साथ आओ। भैया, जब इसका नाम राजा है, तुम्हारा नाम रानी क्यों नहीं है? हाँ भाई, होना तो चाहिए था। ठीक है भाई, आज से तुम्हें हम रानी बुलाएंगे। थैंक यू भाभी, चलो राजा। क्या सोच रहे हो बृजनाथ? नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं समझ गया। क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? सच कहूं, आपने मेरे दिल की बात कह दी। ये शगुन के तौर पर ये अंगूठी, इसका मतलब है आज से हम दोनों संभी हो गए। आपका फोन है। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं बृजनाथ बोल रहा हूँ। हाँ, फैक्ट्री में आग लग गई। क्या? Thank you.
देखिए राणा साहबी, सब खत्म हो गया। मैं अपने आप को नीलाम ही कर दूं तो इस बर्बादी इसमें मुक्त नहीं हो सकता। मैं जानता था राणा साहब, ऐसे वक्त में सिर्फ एक ही आदमी है जो मुझसे तकाजा करने नहीं बल्कि मेरे आंसू पोंछने आएगा। अगर आंसू पोंछने से तकदीर का लिखा हुआ मिट सकता तो मैं ऐसा जरूर करता, मगर ऐसा होता नहीं। मैं ये अंगूठी लौटाने आया हूं, अब ये रिश्ता नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम चुप रहो, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आज हैसियत के तौर में ये हमारे बराबर से गिर चुका है, बर्बाद हो चुका है ये। राणा साहब, हमारी दोस्ती सिर्फ हैसियत की थी? हाँ, और जब ये हैसियत ही नहीं रही तो ये दोस्ती भी नहीं रही, और जब ये दोस्ती ही नहीं रही तो ये रिश्ता भी नहीं हो सकता। ये लो तुम्हारी अंगूठी, चलो मधु। नहीं भैया, कोई राजा वाजा नहीं, चलो मेरे साथ, चलो चल चल, कहाँ जा रही है तू? चल राजा, राजा रुक जा, राजा रुक जा, राजा राजा बेटा। काकी, विशु भैया ठीक तो है ना? आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, वो ठीक तो है ना? भगवान के लिए बता दीजिए मेरे विशु भैया कैसे हैं? नहीं, भैया, विशु भैया, भैया। नहीं जुड़ता है। मेरा खिलौना टूट गया। विशु भैया, मेरा खिलौना टूट गया, जुड़ता नहीं, नहीं जुड़ता, नहीं जुड़ता। पागल खाने फोन करो। काकी, डॉक्टर
में ना भेजे, वो मेरे बगैर नहीं जी सकेंगे काकी, नहीं जी सकेंगे। चाचा बेटा, उसे पागल खाने ले जाना ही पड़ेगा, इसी में उसका भलाई है। हर देख बेटा, वो तेरी आंख में आंसू देखेगा ना तो उसे ले जाना मुश्किल हो जाएगा। आंसू पूछ ले बेटा। बेटे, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप पे काबू रखना ही पड़ेगा बेटे। राजा के पास जाना, राजा के पास जाना। देखो बेटे, उसे लेकर आ रहे हैं, प्लीज चुप हो जाओ। भैया, राजा, ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? भैया, ये आपको बड़े अस्पताल ले जा रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, आपका अच्छी तरह से इलाज होगा, आप ठीक हो जाएंगे, फिर मैं आपको घर ले जाऊंगा। बस मैं जल्दी घर आ जाऊंगा ना। नहीं, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ ना आपके साथ, आप गाड़ी में जाके बैठिए, मैं आपका सामान और दवाई लेके आता हूँ। अच्छा, तू आना, मैं गाड़ी में तेरा इंतजार करता हूँ। अच्छा चलो भाई, मुझे बड़े अस्पताल ले चलो, मुझे ठीक होना है, जल्दी घर जाना है, मेरा भाई अकेला है। दरवाजा क्यों बंद? डॉक्टर साहब, मेरा भाई यार आ जाएगा, बिरजू आ जाएगा। ड्राइवर, मैं मेरे भाई के बगैर नहीं जाऊंगा, भाई में अक्सर ये हो।
नजर कोई लगे तो उतार दूं, तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। नींद मुझे आए जब चैन से तू सोता है, आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई हाँ भैया, हम लोग जीत गए, हम जीत गए भैया। ये लो बिरजू, तुम्हारे 1 किलो गाजर। बिरजू, अरे डॉक्टर साहब कैसे? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तुम कैसे हो? बस एकदम फिट हूँ डॉक्टर साहब, घर पे आइए ना, एक कप चाय पीजिए। नहीं नहीं, मुझे अस्पताल जाना है बिरजू। एक कप प्लीज। अच्छा चलो आइए। देखा कैसी बस साफ है। अरे बाप रे, ये क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती सड़क पे कचरा फेंकते हुए? मैं कहता हूं कौन है, सामने आओ। ऐसे कोई नहीं आएगा। अरे चांदी का चमचा किसका गिरा है? चांदी का चमचा ये मेरा है। तेरा है? आइंदा ये कचरा म्युनिसिपैलिटी के डिब्बे में डालना और अंडे का पैसा उधर से लेना। भाई राजा वाकई तुम्हारे भाई का जवाब नहीं, क्या हासिल दिमागी पाई है? अब वो आदमी जिंदगी भर सड़क पे कचरा नहीं फेंकेगा और कभी अंडा भी नहीं खाएगा। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं गाजर का हलवा बना के लाता हूँ। अरे अरे सुनो, अरे बिरजू अनबिलीवेबल, राजा यकीन नहीं आता जिसे 15 साल पहले तुम मिन्नतें करके अस्पताल से लाए थे ये वही आदमी है। आज जो मैं इसमें परिवर्तन देख रहा हूँ ये सब तुम्हारी प्यार तुम्हारी साधना का नतीजा है। वाकई बेटे कमाल कर दिया तुमने। कमाल तो मैंने किया राजा भैया, तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाया हूँ कि देखते ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये देखो उसकी फोटो। क्यों है ना माल साले, ये लड़की ढूंढ के लाया मेरे लिए? ये लड़की ऐसे वैसे घरानी की लड़की नहीं, वो बहुत उच्च खानदान की है। चल हट पागल, हमारे राजा का शादी किसी ऐसा वैसा लड़की से नहीं बल्कि किसी रानी से होगी। हाँ सच कहा काकी, भगवान ने मेरे लिए रानी तो बनाई है लेकिन न जाने अब वो कहाँ होगी। गुस्सा नहीं करते, गरीब आदमी है, गलती हो जाती है। जाओ बेटे जाओ अपना काम करो, जाओ 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 जाओ, जाओ। सॉरी सर, गुस्सा नहीं करते। कमाल का आदमी है, उसके पूरे कपड़े खराब हो गए लेकिन माथे पर शिकन तक नहीं आई। कौन है ये बंदा? अरे देवता पुरुष है, गुस्सा क्या होता है इन्हें अभी तक मालूम ही नहीं। बापू का दूसरा रूप है, लोग इन्हें शांति पति कहकर बुलाते हैं। इसकी शांति तो मैं 2 मिनट में भंग कर सकती हूँ। रहने दो मधु, तुम सर पटक के मर जाओगी ना तो भी इसे गुस्सा नहीं आएगा। तो लगी शर्त,
मैं बिना कुछ बुरा भला कहे इसकी वो हालत कर दूंगी कि अपने कपड़े फाड़ कर पागलों की तरह चिल्लाने लगेगा और यही मैनेजर इसे पागल खाने भिजवा देगा। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। अगर मैं ये कर दूं तो तुम अपना जूता अपने सर पे मारोगी। डन डन ओके। शांति पति भगवान की देन है। क्या है कि क्रोध को मैं बहुत दूर रखता हूँ अपने से। नमस्ते जी। नमस्ते सर, मुझे आपसे 2 मिनट जरूरी बात करनी है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी तशरीफ रखिए। ओह थैंक यू थैंक यू। जी बताइए बात क्या है। जी बात यह है कि पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे। भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा? आप बात बताइए। मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप तो खाम खा डर रही हैं। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं। निसंकोच होकर बताइए। ठीक है, बात यह है कि नहीं जाने दीजिए, आपको गुस्सा आ जाएगा। देखिए बहन, मैं आपको बता चुका हूँ मुझे गुस्सा नहीं आता। आप अपनी बात मुझे बताइए। देखिए देखिए, आपको थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आता बहन, आप प्लीज बताइए आपकी बात क्या है। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है। देखिए भगवान कसम मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। प्लीज मेहरबानी करके आप अपनी बात बताइए। जाने दीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है। एक मिनट मैडम, एक मिनट आप रुकिए। राम प्रसाद मेरी सूरत देखकर बताओ मुझे गुस्सा आ रहा है? हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा है। आपके माथे से पसीना टपक रहा है। क्या बात कर, आपकी आंखों में खून उतर आया है। आपके नाक के नथुने फूल रहे हैं और आपके मुंह से आग बरस रही है। और आप कह रहे हैं आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैनेजर मैनेजर। यस सर। मेरे चेहरे पर तुझे गुस्सा नजर आ रहा है? आ रहा है। गुस्सा दिखाइए, गुस्सा लगाइए। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। यार अकलू, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे चेहरे पे तुझे ये गुस्सा नजर आ रहा है? गुस्सा तो है। ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो मुझे गुस्सा नहीं आता। बोल 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 बोल। अरे छोड़ दो, वो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। जान लो ये औरत तेरी, बोल दे मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। चलिए मैडम, जूता उतारिए और अपने सर की शोभा बढ़ाइए। आइंदा मुझसे शर्त मत लगाना। अरे जीत के इतना इतरा क्यों रही है? एक मौका मुझे भी दे अपना फन दिखाने का। अच्छा चल दिया। ये माचिस की डिब्बी देख रही है? इसे टेबल पे रख के मैं उछालूंगी और सीधा उस आदमी के कप में जाके गिरेगी। उस आदमी के? इम्पॉसिबल। तो लगी शर्त, अगर मैं जीत गई तो जो मैं कहूंगी वो तुम करोगी? डन डन। अब जो मैं बोलूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्या करना होगा? इस रेस्टोरेंट में जो पहला मर्द आएगा उसे तुम्हें जाकर किस करना पड़ेगा। व्हाट? जी। एक कमाल यार, मस्ती मजाक तक ठीक है, दिस इज नॉट फेयर। शर्त लगाई है तो पूरी भी करनी पड़ेगी, वरना ये कह देगी ये डरपोक है। शर्त लगाई है तो पूरी करके दिखाऊंगी। चलो अरे की आंख बंद कर चिल्ला रही हुए पागल, भूख बहुत लग रही, पेट भर के खाऊंगा। ओह माय गॉड। अजी सुनते हो जी? ये भगवान, मैंने ये खाना नहीं खाना। यहाँ चोको खाना मिले? घर चलो, मैं तने चोकी की पार्टी खिलाती हूँ। चोको खाना मिले तो यहाँ मुंडो खा कर पी। मौसम है आचिकाना। अरे कहाँ चली, चम चल लो। खैर कोई बात नहीं, मौसम है क्या क्या। जाइए मधुरानी, आपके वो आ गए। आ, 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 आ,
क्या बदतमीजी है? वो मैं शर्त हार गई थी, वो किसी ने करना था लेकिन आप बीच में आ गए, I'm sorry। देखिए मैडम, एक कुंवारी लड़की का जो पहला चुंबन होता है ना, वो होता है उसके महबूब के लिए, जिसे वो प्यार करती है, जिसे अपना दिल दे बैठी है, किसी राह चलते राहगीर के लिए नहीं, समझी? मधु, ए मधु, कहाँ खो गई? लगता है ये तो क्लीन बोल्ड हो गई। दीपा, मुझे मेरे सपनों का राजा मिल गया। देखिए मैडम, एक कुंवारी लड़की का जो पहला चुंबन होता है ना, वो होता है उसके महबूब के लिए, जिसे वो प्यार करती है, जिसे अपना दिल दे बैठी है, किसी राह चलते राहगीर के लिए नहीं, समझी? मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। वो आ भी गया तो तू कौन सा उसे पटा लेगी? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है निशा, और मैं उसे अपना बना कर रहूंगी। इम्पॉसिबल यार, वो तुझे प्यार तो क्या घास तक नहीं डालेगा। लगी हजार रुपए की शर्त? जहाँ दिल लगा हो ना, वहाँ शर्त नहीं लगाई जाती। सीधा सीधा बोल कि तुझ में हिम्मत नहीं है, ये तो तेरी इंसल्ट है मधु। लगा ले शर्त। हाँ हाँ मधु, लगा ले शर्त। ठीक है, लगी शर्त, डन। आप प्लीज मुझे बताइए, आप कौन सी बात बताना चाहते थे? मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इस वक्त आप मुझे छोड़ दीजिए, नहीं वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं पागलखाने से खास बात कर आया हूँ आपके लिए, प्लीज मुझे आप बताइए, आप कौन सी बात बताना चाहते थे? प्लीज प्लीज, प्लीज बताइए ना, वो बात कौन सी थी? ये आई थिंक मने बोला है। अरे तेरे को नहीं, वो चिकना छोकरा को बुलाती है। ए चिकना, तेरे को बुलाती है, जो जो उधर देख। हाय। ये हाय बोलनी? हाय। आपने पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जिसके साथ कल वो गया था ना, वो चुम्मा। चुम्मा? मैं आपके पास आ जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आ ही जाती हूँ। कल आपके शब्दों ने जो मेरे दिल पर जादू किया है, मैं क्या बताऊँ? इधर जाऊँ तो चुम्मा, उधर जाऊं तो चुम्मा, बैठो तो चुम्मा, उठो तो चुम्मा, बस चुम्मा ही चुम्मा। ओ इतना बड़ा चुम्मा। हाँ? हाँ। देखिए लोग सुन रहे हैं। सुन रहे तो क्या हुआ, अगर हम रोमांस की बातें कर रहे हैं तो किसी के बाप का क्या जाता है? ए बाबा चमेरे बाप का कुछ जाता है? नहीं जाता। इनके बाप का कुछ नहीं जाता है, वी कैन कंटिन्यू विद द रोमांस। तुमने कल ठीक ही कहा था, एक कुंवारी लड़की का पहला चुंबन उसके महबूब के लिए होता है, और मैंने अपना महबूब, अपना साजन चुन लिया है। जॉनी मेरा सो डेयरिंग छोकरी छे मेरा बाप। हां करे कर। देखिए मैडम, ना मैं आपका साजन हूं ना आप मेरी सजनी, सो प्लीज लीव मी अलोन। कजरा बोलता लीव मी अलोन जॉनी? तो देखिए आप मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझिए, बड़े ऊंचे खानदान की हूँ, इस शहर के सबसे बड़े रईस राणा महेंद्र प्रताप की बहन हूँ मैं, मधु नाम है मेरा। अरे वाह राजा और रानी। हाँ योर इन्फॉर्मेशन, मैं बी कॉम पढ़ चुकी हूँ, छह जबानें जानती हूँ, मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और वजन सिर्फ 55 किलो। अब कहिए क्या ख्याल है मेरे बारे में? ए घेल सप्पा बोलने के अच्छा ख्याल है। हाँ अच्छा ख्याल है। अरे तो मुझे जल्दी से मिस को किस करो नी। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की राणी।
से कहना भंवरलाल जी, 5 साल पहले अभिषेक को देखा था, लेकिन विलायत से लौटने के बाद तो इसका नक्शा ही बदल गया। आप रोजू तो मारो सर सरकार, ये विलायत से जरूर लौटो है, लेकिन बिल्कुल वैसे जैसे पानी में कोई मोम डुबो को निकाल ले। ना वहां को रंग चढ़ो है, ना ढंग, एकदम चोखो आए हुए चोखो। अरे तभी तो हमने इन्हें अपनी बहन के लिए पसंद किया है। ये लो मधु आ गई। आओ मधु आओ, इनसे मिलो। ये है निगमपुर के राजकुमार अभिषेक सान्याल, ये इनके चाचा जी हैं और ये है हमारी बहन मधु। नमस्ते। नमस्ते। सुंदर, अति सुंदर। बंदर, पूरा बंदर। ये आपने कुछ कहा? जी जी नहीं, हाँ हाँ, आपकी तारीफ कर रही थी। अरे तारीफ तो इनकी जितनी की जाए कम है। सैकड़ों मिले और फैक्ट्रियां हैं और दर्जनों आलीशान कोठियां हैं। हाँ, और जिस कोठी में मैं रहता हूँ ना, उसके पीछे हमारा पर्सनल चिड़िया घर भी है। फिर तो ये सब वहीं रहते होंगे।
आपने कुछ कहा? जी नहीं, जी हाँ, कह रही थी कि आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, हम आपके लिए नाश्ता लाते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। बहुत ही सुंदर और सुशील बहन है आपकी, बिल्कुल मारो भतीजे की तरह। भाभी ये फुंद्रू कौन है? जी ऐसा नहीं बोलते, अरे रजवाड़े हैं, करोड़ों की जायदाद है इनकी। तेरे भैया तेरा रिश्ता तय कर रहे हैं उससे, उससे मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। अरे मैं उसको अपने घर में नौकर भी नहीं रखूंगी। भाभी मैंने अपना राजा चुन लिया है। क्या? हाँ, आज उनसे मुलाकात का वादा भी है। रंगलानी साहब आप बेफिक्र रहिए, ये कंटेनर कोल्हापुर पहुंच जाएगा और ये दोनों कंटेनर मैं गोदी पहुंचा दूंगा। आज मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है, तुम्हारी भाभी को शॉपिंग के लिए लेके जाना है, इधर थोड़ा संभाल लेना। रंगलानी साहब आज मैं भी थोड़ा जल्दी जाना चाहूंगा। अरे बाबा तुम्हारा तो शादी नहीं हुआ, घर जल्दी जाके क्या करेगा? अच्छा अच्छा, और तुम्हारा कोई लफड़ा चल रहा है नहीं? जाओ बाबा जाओ, मजा करो। थैंक यू सर। हेलो, मधु से मिलने जा रहे हो? आपकी तारीफ। निशा मधु की सहेली, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मधु तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक कर रही है। क्या? जी हाँ, लोगों को बेवकूफ बनाना उस अमीरजादी का शौक है, और इस बार ये तमाशा उसने तुम्हारे साथ किया है महज 1000 रुपए की शर्त के लिए। झूठ बोल रही हो तुम। और अगर ये बात सच साबित हुई तो? मैं उस अमीरजादी को कभी माफ नहीं करूंगा। ये ले मधु, तेरी शर्त के पैसे। पूरे 1000 है ना? हाँ भाई पूरे 1000 है। एक बात तो है मधु, तुझसे शर्त में कोई जीत नहीं सकता। वाकई तूने राजा को एक ही दिन में अपना दीवाना बना दिया। जाने हम जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और शर्त के पैसे हम अपने पास नहीं रखते, खाओ पियो मौज करो, बिल हम देंगे। राजा तुम शट अप, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लेना, तुम्हारी असलियत अब मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। देखो राजा, मैं मानती हूँ कि मैंने शर्त लगाई थी, लेकिन सच तो ये है कि आई रियली लव यू। अरे तुम क्या जानो प्यार किसे कहते हैं, वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक शर्त है, महज 1000 रुपए की शर्त। ये तो अच्छा हुआ कि निशा ने मुझे तुम्हारा असली रूप दिखा दिया, वरना मैं तो तुम्हारे झूठे प्यार को सच समझ बैठा था। अब आइंदा कभी मुझे अपनी गंदी शक्ल नहीं दिखाना, समझी? राजा राजा यू चीट, राजा राजा प्लीज मेरी बात सुन लो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, वो तो बातों बातों में मुझे उपसा दिया था उसने, इसलिए मैंने वो शर्त लगा दी, वरना मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, सच्ची। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता, मेरा पीछा करना छोड़ दो, समझी? मेरी बात तो सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो और कह दो कि यू लव मी। आई हेट यू, टेल मी यू लव मी। आई हेट यू, प्लीज टेल मी यू लव मी। आई हेट यू। नहीं बोलेगा? कभी नहीं। तो ये ले। ये क्या कर रही हो तुम? अभी बताती हूँ। लड़की का पर्स छुराता है, चोर कहीं का? हवलदार साहब मैं कोई चोर और नहीं हूँ यार। मेरा पर्स, ये मेरा पर्स है साहब, अच्छा आपने इसे पकड़ लिया। मधु ये क्या मजाक हो रहा है, बता दो इनको मैं कौन हूँ। मैडम आप इसको पहचानती हैं? अरे नहीं साहब, मुझ जैसी शरीफ लड़की इस जैसे चोर उचक्के को थोड़ी पहचान सकती है। तो ये झूठा है साला, चल तुझे थाने ले जाकर अब मजा चखाता हूँ। एक मिनट साहब, मैं इस चोर से 2 मिनट थोड़ा प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। देखो राजा अभी वक्त है, कह दो कि यू लव मी। अगर मुझे फांसी भी हो जाए ना तब भी मैं तुझे नहीं कहूंगा आई लव यू, समझी? ले जाओ इसको, कहता है नहीं सुधरूंगा। ले जाओ ले जाओ। ये तूने क्या कर दिया मधु, राजा को बंद करवा दिया? तो और क्या करती, वो आई लव यू बोले को तैयार ही नहीं था। तूने तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अब वो जिंदगी भर तुझसे नफरत करेगा। तो अब मैं क्या करूँ? अब तू उसके घर वालों को अंदर कर, यानी उनको भी जेल भिजवा दूँ? फैंटास्टिक। अरे इडियट, अंदर का मतलब है उनको जाकर पटा। पटाती हूँ, ऐसे पटाऊंगी कि देखते रह जाओगे। ए बिरजू, अब्दुल कह रहे थे राजा रात भर घर नहीं लौटा। हाँ वही सोट सोट के तो मेरी जान निकली जा रही है। हाय गैया, जब जवान लड़का रातों को घर से गायब रहने लगे तो समझ लो नदिया में बाढ़ आ गई। अरे चुप कर पागल, जब देखो अनापशना बकता रहता है। तुमने राजा का फैक्ट्री में पता करवाया? हाँ काकी, वो कल वहाँ काम पर भी नहीं गया था। ओए बाबा, दिन में काम पर नहीं गया, रात में घर नहीं पहुँचा, फिर गया कहाँ? मैं बताती हूँ, रात भर वो मेरे साथ था। लेकिन तू और अपने राजा की रानी, अब आप पूछेंगे कैसे घटी ये कहानी? तो काकी ये बात है
दो साल पुरानी। उए बाबा, तुम राजा को दो साल से जानता? हाँ, हमारे दिलों की गाड़ी प्यार की पटरी पर दो साल से दौड़ रही है, लेकिन कल रात को एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, दो गाड़ियों का नहीं, दो निगाहों का, दो दिलों का। वो कैसे? रात का वक्त, तूफानी बारिश, पुराना खंडर, हम दोनों सर्दी से कंपकंपा रहे थे। राजा ने किसी तरह आग जलाई, एक तरफ आग जल रही थी, दूसरी तरफ हम जल रहे थे। हारी दिया, यानी डिंग डोंग हो गया। हाँ, और सुबह होते ही वो मुझे प्रेम चोपड़ा की तरह छोड़कर चला गया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अगर राजा ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मार डालूंगी अपने आप को, बिना पति के सती हो जाऊंगी। मैं मार डालूंगी अपने आप को। अरे मैं अपने आप को मारियो, कोई देख नहीं रहा? देखो मैं अपने आप को मार रही हूं। तो क्या करिए मेरी बच्ची? अब मैं जी कर क्या करूंगी काकी? नहीं बेटी, तुझे जीना होगा। राजा भैया आ गए। आने दो उसे, उसे मैं आज ठीक करती हूँ। काकी, ये आपका घरेलू मामला है, आप ही सुलझाइए, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है, तू जा। प्रणाम राजा भैया। क्या बात है, बड़े फ्रेश लग रहे हो। फ्रेश लग रहा हूँ तुझे मैं, फ्रेश लग रहा हूँ तुझे मैं। अरे रात भर में तेल निकल गया मेरा। हाँ मालूम है, मालूम है। कहाँ तेल निकल कर आ रहे हो? अरे जाना जाना यार। हाँ जा 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 अंदर, तेरा बच्चा कुछ सारा तेल निकलने वाला है, माटी मिले। आ गया मुंह काला करके। हे भगवान, इन लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं रात भर हवालात में बंद था? मतलब आप लोगों को पता चल गया मैं रात भर कहाँ था? अरे पता ही नहीं चला, पूरी रिपोर्ट आ गई है। देखो काकी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे तो उस लड़की ने फंसाया था। हाँ, इसको वो लड़की ने फंसाया होगा। अरे चुप कर, दूध पीता बच्चा है ये, उसने फंसाया। अरे फंस क्या, शर्म नहीं आई तुझे उसकी इज्जत से खेलते हुए? अरे छोड़ो ना काकी, उसकी काय की इज्जत, इज्जत तो मेरी खराब हुई है। अरे वाह, फल खुद खाया और छिलके दूसरों पे फेंक रहा है। अरे क्या फल की बात करते हो, वहाँ तो बासी रोटी तक नहीं मिली, रात भर भूखा सोया हूँ लॉकअप में। हाँ हाँ काकी, लॉकअप में। और जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने उस लड़की से नहीं कहा कि आई लव यू, बस इसलिए फंसवा दिया उसने मुझे। माँ कसम काकी, अगर वो मुझे कहीं मिल जाए ना तो वो हशर करूंगा कि आईने में शक्ल नहीं पहचान सकेगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। गुस्सा तू को, पानी पी लो। थैंक यू। तुम यहाँ कैसे? काकी यही है वो लड़की जिसने मुझे फंसवाया था, बता बता के सच्चाई क्या है, बोल बोल, नहीं तो देखा है। बताती हूँ, मैंने आप लोगों से जो कुछ भी कहा सब झूठ था। सच तो ये है कि मैं राजा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये मुझसे प्यार नहीं करता। अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी ना। अब मेरी जगह आप होते तो क्या करते? हम भी अपनी उंगली टेढ़ी कर देते। ए, अपनी उंगली को काबू में रखो हाँ, और निकलो यहाँ से, चलो चलो, और तुम भी चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। ए, धक्का मत मारना, भेड़ है अपनी। क्या ए भेड़ के टके, अपनी भेड़ को संभाल और राखी बनवा। और तू किधर चली? अंदर। चल चल बाहर निकल, तू चल चल। ¡Gracias!
कमाल लड़की है। अभी थोड़ी देर पहले उछल उछल के नाच रही थी, अभी रो रही है। एक बात बता, तू राजा से बहुत प्यार करती है ना? तू फिक्र मत कर, तेरा पपलू मैं फिट करता हूं। इसके लिए मेरे को थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा। आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। उफ, तूने तो मेरी जान निकाल दी माटी मिले। मेरे को तेरे से मोहब्बत हो गई है। ये चिड़िया चील कैसे हो गई? अब मैं तेरे को बताता हूँ, ये चील चूंच कैसे मारती है। देख बिरजू, जवानी की बात और थी जब मेरा तुझ पर दिल आया हुआ था, लेकिन आजकल मेरी सेटिंग कहीं और चल रही है। क्या? मेरे होते हुए तेरी सेटिंग कहीं और चल रही है? इससे पहले तू अपना मुंह काला करे, मैं आज ही तेरी मांग में सिंदूर भरता हूँ। चल चल कलंकिनी, चल तू। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। क्या? बता मुझे। चल चल मेरी जान मंदिर में। आप कोई मंदिर मंदिर नहीं जाएंगे, आप मेरे साथ घर चलिए। मैं इसका सुहाग हूँ राजा। कोई सुहाग नहीं, मुझे ये बेवा हो जाएगी, ये विधवा कमीनी भागते कुछ नहीं होगा उसे। काकी ये क्या हो गया बिरजू भैया को? पता नहीं राजा बेटा, सुबह सुबह मेरे घर आया, बोला मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जो तेरी फूफी है ना, जो गाँव से आई है, उसने उसे घुट्टी दे दी। घुट्टी? हाँ, ये है वो घुट्टी की बोतल। बिरजू भैया पूरी की पूरी घटा के उसी का नतीजा है। सोने का भसम, लेकिन आपकी फूफी है कहाँ? फूफी? ओ फूफी! ओए पुत्तर, देख के नहीं चल सकता है? कौन हो तुम? ये है मधु। मधु? फूफी, फूफी, मधु फूफी। अरे ओ फूफी, मेरा भाई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ये कौन सी दवा पिला दी आपने उसे? ओए केड़ी दवाई पिला दी? ओए ए बंदा है, सारी दवाई पी गया? हाँ। ओए गड़बड़ हो गई भाई, गलत दवाई दे दी मैंने। ए फड़, इसके अंदर सोने का भसम हैगा, और 8-10 दिन तक इसका असर नहीं उतरना। हाँ। 8-10 दिन तक इसका असर नहीं उतरेगा? ना। अरे फूफी, इसका कोई तो उतारा होगा। ओए उतारा तो है, पर जड़ी बूटी लेने वास्ते जंगल जाना पड़ेगा। अरे फूफी, तो फौरन मेरे साथ चलो। ओए, अरे तू की मेरा खसम लगता है, जब तेरे नाल मैं जंगल जावांगी। अरे हट, मैं नहीं तेरे नाल जाऊंगी। तू कैसे नहीं चलेगी? तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो जबरदस्ती उठा के लेके जाऊंगा। चल। ओए, तू मेनू जबरदस्ती चुक के ले जाएगा? हां मेनू। हां तेनू। चुक मेनू। अरे छोड़ो ना, एक फूफी बोल देता हूँ। अरे फाड़ में गई तेरी फूफी, पंगा ना ले मेरे नाल। हाँ। ये पंगा पंगा क्या कर दिए? सीधे तरह से जंगल जा, नहीं तो दूंगा एक रख के मोटी। ओए, तेरी पैन सड्डी पैन मेनू मोटी कहता है? तेरे प्यो का खांदी हूँ क्या? हाँ खोते। अरे तेरे प्यो का खांदी हूँ मैं? तेरे को मोटी कहता? अरे परे हट, शराबी दी औलाद, तेरे प्यो का खांदी हूँ मैं? ओए छोड़ मैंने। अरे मां भैया छोड़। पुप्पी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, इसको छोड़ दो वरना ये मर जाएगा। अरे पुप्पी, ओए तू इन्हें प्यार दे नाल कहता है तो छोड़ देती हूँ इस मच्छर नू। कुत्ता, ओए कोई मेरे नाल प्यार से बात करे तो मैं उसके लिए कुछ भी करण वास्ते तैयार हूँ। चल मुंडिया, जंगल चले। चल, अब होगा जंगल में मंगल। आज मौसम बड़ा बेईमान है। फूफी, ये पहाड़ों के चक्कर काट काट कर मैं थक चुका हूँ, कहाँ मिलेगी वो जड़ी बूटी? कुछ पाने वास्ते मेहनत तो करनी पड़ती है ना मेरे राजा। ये क्या कर रही हैं आप? एक बात कहूँ, तू मेनू बड़ा सोना लगता है। देखो फूफी, बहुत हो गया, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तुझे। तेरी बहन सट्टे
क्या बेहूदगी है ये? शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी ये। ये हवा निकल गई सिटी 200 किलोमीटर दूर, ये नाइटिंग जंगल 1-2 का 4। ये कोई 1-2 का 4 नहीं होगा, मैं अभी यहां से निकलने का बंदोबस्त करता हूं। मान जाते तो ना मुझे बुढ़ी पना पड़ता, ना हमारी जीप का टायर पंक्चर होता और ना ही हम इस जंगल में फंसते। देखो अब भी वक्त है। अरे मान लो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये क्या प्यार 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 लगा रखा तुमने? बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे? हाँ राजा, जो मैं कहूंगा वो करोगी? आजमा कर देख लो। तो उतार अपने कपड़े।
मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं, अभी इसी वक्त। Come on। नहीं राजा, ये कौन सा तरीका है प्यार करने का? ये मेरा तरीका है। तुम मुझे हासिल करना चाहती थी ना, तो मेरी मर्जी भी पूरी करनी होगी। मैं जानता था तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत सब ठकुरसला है, नाटक है नाटक। राजा मेरी बात तो सुनो राजा, I love you, I really love you। No, you don't love me। तू भी झूठी और तेरा प्यार भी झूठा। ठहरो राजा। अगर तुम्हारा प्यार पाने का यही तरीका है, अगर तुम्हारी नजरों में यही प्यार की परिभाषा है, अगर वासना ही तुम्हारे प्यार की कसौटी है, सुनो, कर लो इस शरीर के साथ खिलवाड़। आओ बुझा लो अपने मन की आग, रोन डालो अपनी मर्यादा और मेरी पवित्रता को। आओ राजा आओ, I said come on। तुम्हारी पवित्रता मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। वासना मेरे प्यार की कसौटी नहीं है, ना ही अपनी मर्यादा को भूला हूं मैं। तुम्हारे प्यार पे भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। मुझे माफ कर दो मधु, मुझे माफ कर दो। जब मेरा नाम राजा है तो तुम्हारा नाम तुम्हारे घर वालों ने रानी क्यों नहीं रखा? बचपन का राजा। राजा, राजा। Thank you.
आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों एक हो गए हो। ये तो होना ही था भैया, जो रिश्ता आपने बचपन में जोड़ा था उसे एक दिन मुकम्मल तो होना ही था। हाँ भैया, ये मधु है, मेरे बचपन की रानी। जीती रहो बेटी। तुम नहीं जानती तुम्हारे भाइयों ने। राजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है बिरजू भैया, मैं जान चुकी हूँ कि ये रिश्ता क्यों तोड़ा गया था। इसलिए हमने कोर्ट में जाके शादी करने का फैसला कर लिया भैया। नहीं राजा, नहीं, ऐसा करना गलत होगा। मैं जाऊंगा अपने दोस्त के पास ये टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए। मैं जाऊंगा। मारे कानों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि सुख गरी इतनी जल्दी आ जाएगी। अच्छा अब आगे दीजिए, सगाई की तैयारी करनी है और रिश्तेदारों को नेता भी जोड़ो है और सैकड़ों काम है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जल्दी जल्दी कर रहा है भाया, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। अच्छा तो ये तेरा भाई है। हाँ राणा साहब, ये अपना राजा है। अपने दोस्त को अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? तेरी औकात नहीं है कि तू इस घर की दहलीज पर कदम रख सके। राणा साहब, राणा साहब आप नहीं जानते, राजा और मधु एक दूसरे से प्यार करते हैं। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी बहन उस चौखट पर अपना दिल छोड़ आई है जहाँ राणा महेंद्र प्रताप अपने जूते तक रखना पसंद नहीं करता। राणा साहब, ये सच है कि हम गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं, लेकिन प्यार करने वाले कभी ऊंच नीच नहीं देखा करते। और सच तो ये है कि शादी ब्याह के रिश्ते तो स्वर्ग में तय होते हैं ना। स्वर्ग में नहीं, ये रिश्ते यहीं बनते हैं। तूने जानबूझकर मेरी बहन को अपने भाई के प्यार के जाल में फंसाया है ताकि तू मुझसे अपना पिछला हिसाब पूरा कर सके। नहीं भैया, ये सब गलत है। यही सच है, इनके गंदे दिमाग की छिछोरी साजिश है ये। राणा साहब, मैंने सुना था इस दुनिया में कुछ घटिया किस्म के लोग हैं, लेकिन आप तो घटिया से भी घटिया निकले। मैं तेरी बदतमीजी का जवाब बहुत अच्छी तरह से दे सकता हूँ, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने का शौक नहीं है मुझे। और एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, कल अभिषेक के साथ तुम्हारी सगाई है, और अगर इस शुभ कार्य में किसी ने बाधा डालने की कोशिश की तो इस घर से डोली हो या अर्थी निकलेगी बड़ी शान से। हम अपनी इकलौती बहन मधु की सगाई निगमपुर के प्रिंस अभिषेक से तय करते हैं। अरे भाई सुमित्रा, मधु को ले आओ। जी अभी बुलाती हूँ। आप लोग इतना हैरान क्यों हैं? भैया ने जो ऐलान किया बिल्कुल सही है, सगाई तो मेरी होगी मगर दूल्हा किसी रियासत का राजकुमार नहीं बल्कि मेरे दिल का राजा है। ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं, फैसला है भैया। तुम कौन होती हो अपनी जिंदगी का फैसला करने वाली? इस घर में फैसला करने का अधिकार सिर्फ राणा महेंद्र प्रताप को है। जिस घर में मैं अपनी मर्जी से जी न सकूं, ऐसे घर को ठोकर मारकर जा रही हूं मैं। इस हरामजादे की वजह से तू भरी महफिल में हमें जलील और रुसवा करके जा रही है।
देखता हूं इस चौखट से ये जिंदा कैसे जाता है। तो चलाइए गोली, मगर वो गोली पहले आपकी बहन के सीने के पार होगी। चलाइए गोली, हाँ हाँ हिम्मत है तो चलाइए गोली। नहीं विश्वा, पागल हो गया तुम? हाँ पागल हो गया मैं, मार डालूंगा ऐसे। तो रोका किसने तुम्हें? चलाओ गोली। हाँ हाँ चलाऊंगा गोली, छोड़ो बैठ। और तू, तू जिसके लिए अपने सीने पर गोली खाने को तैयार है, एक बार पूछ इससे, पूछ वो तेरे लिए क्या कर सकता है, पूछ। जिसके लिए तू अपने पुरखों की मर्यादा और सम्मान को कुचल कर जा रही है, पूछ इससे वो तेरे लिए क्या कर सकता है, पूछ। जिसके चार दिनों के इश्क की खातिर तू हमारी 20 सालों की मोहब्बत को ठुकरा कर जा रही है, पूछ वो तेरे लिए क्या कर सकता है। पूछ इससे कि 20 कदम का ये फासला नंगे पांव तय कर सकता है। दम तोड़ दिया, ये जिंदगी भर का सफर क्या तय करेगा। अरे प्यार करना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। लेना यूं प्यार में सच्चों का, मोहब्बत ने झुकाया है सर अच्छे अच्छों का। वाह राजा वाह, क्या शेर मारा है वाह।
मेरी मधु का हाथ मेरे हाथ में दे दो। साले कमीने हराम सादे, अरे ले जाओ विश्वास, बंद कर दो इसे कमरे में। फेंक दो इसे उसी गड्ढे में जहां से आया था। दादा क्या हुआ? अरे भगवान, कौन है वो कमीने जिन्होंने मेरे राजा का हाल किया? क्या मालूम है काकी, किसने मारा है मेरे भाई को? नहीं छोड़ूंगा। चौखट पे खड़े होके हमें ललकारता है, वही खड़ा रहे, खड़ा रहे भाई, अभी आ रहा हूँ। आ नीचे आ, मैं तुझे ऊपर पहुँचा तो आ नीचे। मैं बात करनी आ गई, हरामी के बच्चे, मैं तुझे क्या करता है? भाई बिरजू, नहीं नहीं, भैया बचाओ, भैया पुलिस को बुलाओ, बचाओ भैया, बचाओ। हेलो पुलिस स्टेशन, देखिए मैं राणा महेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, देखिए क्या हालत कर दी इसने मेरे भाई की। ले जाओ इस नशी को और बंद कर दो हवालात में। भाई जी, तू तेरा बाप। होश में आओ, मैं कहता हूँ होश में आओ। आप नहीं जानते मेरे भाई को मारा है इसने, लव लुआर करके फेंक दिए। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे जा जा, तू क्या बिगाड़ लेगा हमारा पागल? तो तू भी इस पागल की चुनौती सुन रहा। अगर मैंने तेरी बहन की शादी अपने भाई से न कराए तो ये बिरजू एक नहीं दो बाप का। तेरे भाई की शादी मेरी बहन से हो, इससे पहले मैं तेरे भाई के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे टुकड़े करना तो दूर की बात है राणा, अगर तूने मेरे भाई की तरफ उंगली भी उठाई ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि ना तेरी मर्दों में गिनती होगी और ना हिजड़ों में भर्ती होगी। तुलविया, अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अपने राजा को इतनी बेरहमी से किसने मारा। इस बात का मुझे पता चला ना रति काका, मैं वो हल करूंगा कसम खुदा की, जैसे कसाई बकरे को हलाल करता है। क्या बात है? अब्दुल भाई, अरे रति काका, इसको क्या हुआ? गजब हो गया। क्या हुआ? अरे बिरजू भैया को पुलिस पकड़ के लेके गई, वो हवालात में बंद है। क्या बात करते हो? क्या बोल रहे बकिया, ये तो बहुत बुरी खबर है। इसलिए इस बात का पता राजा को नहीं चलना चाहिए, वरना उसकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। हाँ हाँ, लेकिन अब बिरजू भैया को हवालात से निकाले कैसे? इंस्पेक्टर तो 15,000 की जमानत मांगते हैं। जमानत तो होने नहीं दूंगा राणा साहब, चाहे मुझे कोई लाख रुपया भी क्यों ना दे दे,
जितने शीशे तोड़े हैं आपकी हवेली के, उस साले की मैंने उतनी ही हड्डियां ना तोड़ी, तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। अरे 6 महीने की क्या बात कर रहे हैं साहब, साल दो साल तो आराम से सड़ा दूंगा जेल में। हाँ हुजूर, आपका बंडल मेरे पास पहुंच चुका है, अब मेरा काम शुरू। गुड डे सर। नमस्कार साहब। ये आप लोग बांट लो, बाकी सब मेरा है। वो तो ठीक है साहब, पर ये माल हमको यहाँ नहीं रखना चाहिए। अभी अभी हमको पक्का खबर मिला है कि एंटी करप्शन का लोग यहाँ रेड डालने वाला है, और अगर ये घूस के माल के साथ पकड़े गए ना साहब, तो अपनी नौकरी के तो लाले लग जाएंगे। साहब कुछ कीजिए। तुम एक काम करो, ये पैसे मेरे घर पहुँचा। अरे क्या बे? ओ, जल्दी बोल क्या। सर मुझे अपना हाथ दीजिए। क्या तुम कोई जोशी हो? सर हाथ दीजिए ना मुझे प्लीज। ले देख, अच्छी तरह से देख, इसी से तुम्हारी ठुकाई होने वाली है। मस्त हाथ है, 5 उंगलियां। अरे छोड़, छोड़, अरे छोड़ मेरा हाथ, मेरा हाथ, बचाओ, बचाओ, अरे सालों के साथ बाद में बांटा, कहाँ हो, छोड़ो। कैसा मजा आया? मेरी ठुकाई करेगा? मेरा डंडा, पांडे मेरा डंडा लाओ, दरवाजा खोलो, जल्दी। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, हम एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हैं। आइए आइए सर, इस पुलिस थाने में आपको कोई करप्ट नहीं मिलेगा, यहाँ तो सब ईमानदारी के दूध से धुले हैं। इसकी बात सुनना नहीं है? इसने तो अपनी माँ के पेट से बाहर आने के लिए भी अपने बाप से रिश्वत ली थी, छोड़ने नहीं साले को। ए, तुम चुप रहो, हमें क्या करना है हमें मालूम है, समझा? ए छपकाले, इसकी तलाश लो। मिल गया। अब तुझे क्या सजा दी जाए? सर, इसके हाथ पर बांध के गुड़ घोल के इसके बदन में डाल दिया जाए, ताकि चीटे से नोच 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 खा जाए। सर मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। तो उस बेगुनाह को छोड़ दे। अच्छा अच्छा, हरपाल जी जल्दी से दरवाजा खोल और बिरजू साहब को बाहर ले आओ, जल्दी जल्दी। जी साहब, अभी ले आता हूं। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। अरे मगर आप हैं कौन? हम एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो? हमारा भाई वो शोर साहब, वो बेगुनाह है। खामोश, कौन हो तुम लोग, रो क्यों रहे हो? अरे साहब, इसने फेफूसों में हमारे भाई को अंदर बंद कर दिया और छोड़ने के लिए 50,000 रुपए घूस मांगी। 50,000 हम दे चुके हैं। हाँ। अब ये मुआ 75,000 मांगता है। सर ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं आप हाँ हाँ बोलो, कहाँ से आई ये रुपए? मैं सच कहता हूँ, ये घूस के पैसे नहीं है। मैं आपको खराब गायतोंडे, इसके मुंह पर टेप मारो। ए हवलदार। जी साहब। उस बेगुनाह को छोड़ दो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ गरीब को छोड़ दिया। थैंक यू सर। सर मैं मेरे पैसे लेकर जाऊं? ले लो। हाँ ला 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 सर। थैंक यू सर। चलो भाई लोग, थैंक यू सर। इस घूसखोर को तो मैं देख लूंगा। राजा राजा राजा, तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ भैया। हाँ। लेकिन आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, आपको कुछ हो जाता तो? क्या कुछ नहीं होगा राजा, जो होगा ना उन हरामजादों को होगा। नहीं भैया, ये लड़ाई मेरी है। नहीं, ये लड़ाई हमारी है। पागल मत बनो तुम दोनों, अरे उनके पास पैसा है, ताकत है, लोग हैं, उनसे नहीं जीत सकोगे तुम। हम जीतेंगे काकी, और जरूर जीतेंगे, बल से नहीं तो कल से, कल से नहीं तो छल से। आप लो जूतो, मारो सर सरकार, मैं तो छाती ठोक ठोक बोलूं कि आपने राजा के साथ जो कुछ भी किया अच्छा किया। वो पागल इतनी बड़ी बातें करके गया था, देखना अब वो हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। May I come in, please? अरे शैतान का नाम लियो, शैतान टपक पड़ियो। गुड मॉर्निंग। हराम सादे, तेरी अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, निकल यहां से। लगता है दिवाली के दिन पैदा हुआ था।
बोलने से पहले ही बम की तरह मुंह फट रहा है। मारने का नहीं, मैं यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं, मेरे भाई राजा की शादी का कार्ड देने आया हूँ। नमस्ते। तू देखने में तो पागल लगता है मगर है बड़ा समझदार। अच्छा हुआ तूने अपने भाई की शादी कहीं और तय कर दी। ऐ सुखीराम, इनके लिए बादाम का शरबत ले आना, केसर डाल के। हाँ हाँ, केसर डाल के। अच्छा ये बता के लड़की है कहाँ की? यहाँ की है। अच्छा, और आपके आशीर्वाद से बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है। अच्छा, आप ही पढ़िए ना। क्या बात है, बिरजू पतंग वाला आपको सहर्ष आमंत्रित करते हैं अपने छोटे भाई राजा एवं मधु श्री महेंद्र प्रताप गढ़वाल की बहन। हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये जलील हरकत करके हमारे सामने आने की? रीति अनुसार पहला कार्ड तो समधी को ही देना चाहिए ना। कमीने, हमसे रिश्ता जोड़ता है, हमसे रिश्ता जोड़ता है, तू बचकर नहीं जाएगा यहाँ से, बचकर नहीं जाएगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा है, अच्छा है, मेरे को गोली मार दे, मेरा सब काम आसान हो जाएगा। मार दी गोली। अबे अबे हाथी के नाखून, गोली खाने से तेरा कौन सा काम आसान हो जाएगा? गधे के खोर, तू समझता नहीं है, मुझे गोली मारेगा मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया तो इन दोनों को फांसी हो जाएगी, मधु और राजा का रास्ता साफ हो जाएगा ना। मार दे गोली, मार दे गोली, मार। ये संस्कारिया, गोली मार, 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 समझने की कोशिश करिए सरकार, ये सच कह रही हो, शादी का कार्ड छपा के इसने आधो काम तो कर ही चुका है, और बच्चों को जो काम आपकी फांसी के बाद कर लेगा। अच्छा वो जो आपने इसको गोली दी मारी। इन सब में तू अकलमंद है, बाकी इन सब लोगों की अकल बंद है। केले के छिलके ये मेरे जो भैया इधर देख, इन सब की नस्ल का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है ना, शक्ल से इंसान दिखता है। मैं फोकट में एक मशवरा देता हूँ, मान ले मधु का ख्याल दिल से निकाल दे, नहीं तो वो हाल करूंगा तेरा, ना तेरी मर्दों में गिनती होगी और ना ही इनमें भर्ती होगी। विश्वा जी, मी गोइंग, गोइंग मी। राणा साहब, अपनी अगली मुलाकात होगी 25 अक्टूबर हनुमान गली पास्ता लेन, जय हिंद। भाई साहब, भाई साहब, ये साला हमारे घर पर आकर हमें धमकी देकर चला गया। आप लोग जू तो मारो सरकार, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये पागल कुछ भी कर सके। राणा साहब, चांचू ठीक कह रहे हैं, 25 अक्टूबर को अभी 25 दिन बाकी है, और 25 दिनों में ये पागल कुछ भी कर सकता है, इसलिए मनु को हम लोग 25 दिनों के लिए कहीं और ले चलते हैं। अली बाग से 25 मील दूर मारो बंगलो है, हम मधु को लेकर वहीं चलते हैं, और 25 अक्टूबर से पहले इन दोनों के 25 फेरे लगवा देते हैं, फिर देखते हैं ये सारा पागल एक हाथ से ताली कैसे बजाता है। ठीक है भवनलाल जी, अब कल का सूरज मधु अली बाग में ही देखेगी। चलो आप फिकर मत कीजिए भाभी, मधु को राजा से दूर कोई नहीं कर सकता। शराब शराब मधु, चुपचाप बैठ जाओ मधु, चुपचाप बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ चुपचाप बैठ जाओ, मुझे राजा से कोई लड़ नहीं कर सकता। शराब, छोड़ दो मेरा हाथ। मधु मैं बोला बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सिट डाउन मधु, शराब मधु मैं मारूंगा, सिट डाउन। राजा, जल्दी करो और तेज लो। लेफ्ट दबाओ, राइट दबाओ, राइट लो, और तेज लो, और तेज। Yeah!
अबे चुप। मधु रिलैक्स रिलैक्स, बैठो बैठो बैठो, मैं आ रहा हूं। बची क्यों बची क्यों? भतीजे खाई बस में जाने वाली है, मारो मतलब है बस खाई में जाने वाली है, चुपचाप निकल ले। अरे तुम लोग कहाँ चले? मारो बैठो आगे, बैठो मारो अड़ी भाग आगे। एक एक कर रहे हो, एक एक कर रहे हो, एक एक कर रहे हो यार। लेकिन तू बात क्यों रो यार, क्या बात क्यों रो यार? दोनों को मार दो, दोनों को मार दो, दोनों को मार दो। राजा 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 बची क्यों बची क्यों? ए तुम्हारा बची क्यों, तुम्हारा बची क्यों? चुन्नी भी बांध रही हो, आज ये सबको बांध रही हो, लेकिन क्यों बांध रही हो पता नहीं। ये क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ यार? चाचू ये तो उल्टा लटक गया, लागे सर्कस कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन अच्छे क्यों सर्कस कर रहा हूँ यार? फिर झूल रही हो या राजा? ये बस तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा बेटा, राजा बेटा मन ने खोल दे, भगवान थारा भला करेगा, मन ने खोल दे। खोल दूं पर तुम दोनों में से मैं एक को खोलूंगा। मन ने खोल दे, मन ने नहीं, मेरे को खोल दे, मन ने खोल दे, मन ने खोल दे, मैं पढ़ा हूं, चुप, मन ने खोल दे, चुप, 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 चुप। तुम लोग आपस में फैसला कर लो, तब तक हम दोनों घूम के आते हैं। चलो मधु डालेंगे, संभाल के। क्यों तारी वजह से? क्यों तेरी वजह से? तू के पट्टू, चुप तू। अरे सुनिए, ये बस कहाँ को जा रही है? ढन्नू में जा रही है। ठीक है, मुझे एक स्टाफ पहले उतार देना। अबे अबे मत चलियो, मत चलियो बस, मत चलियो बे, अबे अंधे लो, अबे अंधे की औलाद मत चलियो। अरे क्यों नहीं चले? आपके बाप की बस है जो हमें आप रोक रहे हैं। अबे अंधे लो, सफर करेंगे, अबे जरूर सफर करेंगे, अबे उल्लू के, अरे हम तो जरूर सफर करेंगे। अबे मारी जब बात करा दे जो आप रोक रहे हैं। अबे उल्लू के पर क्या होते हैं? अबे झूलो झूल रहा होगा, छोड़ता भी नहीं है। बैठे क्यों? अबे काय को बैठी? अरे भाई, अरे भाई ये बस है की बोर्ड। जुदाई भगवान को भी मंजूर नहीं है, तो ठीक है मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। अरे मधु,
समझना ब्रिजनाथ कि मैं इस शादी को रुकवाने आया और ना ही मुझे अभी इस शादी पर कोई एतराज है। मैंने हमेशा अपनी बहन की खुशी चाही राजा, और अगर यह खुशी उसे तुम्हारे साथ मिल सकती है तो मैं तुम दोनों के बीच में कभी दीवार नहीं बनूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। बस एक विनती है ब्रिजनाथ, जिस बहन को बेटी की तरह पाला हमने, जिसकी शादी के लिए न जाने कैसे कैसे सपने देखे हमने, उस बहन की विदाई अगर कोर्ट के बजाय उसके भाई के घर से हो तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, बहुत बड़ा एहसान होगा। राणा साहब देखिए, आपका दिल दुखाने का हमारा मकसद नहीं था, जो हुआ उसे भूल जाइए और आपकी इच्छा हमारे सर आंखों पर, मधु की डोली आपके घर से ही उठेगी। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ब्रिजनाथ, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे राणा साहब, ये भैया ये आपने क्या कर दिया भैया, जो हमारी ठोकर के काबिल नहीं आप उनके पैरों में झुक गए। मैं पूछता हूँ, हो क्या गया आपको? मत भूलिए राणा साहब कि आपने अपने डूबते हुए कारोबार को बचाने के लिए मुझसे करोड़ों रुपया उधार लिया है और वादा किया है कि मधु की शादी होगी तो मुझसे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो होगा जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। बोल चुके तुम लोग, अब मेरी सुनो। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं झुक गया हूँ? नहीं विश्वा, नहीं, मैं झुका तो सिर्फ इसलिए हूँ कि उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक सकूं। दुश्मन का भरोसा जीत कर मैंने उसे निहत्था तो कर दिया है, अब देखो मैं वार कैसे करता।
अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या मैंने किया जादू कभी घबराए कभी गले लग जाए तेरा खुद पे नहीं काबू बिना पायल के ही बजे घुंघरू बिना पायल के ही बजे घुंघरू हमारी तरफ से मामूली सा शगुन है हा? इसे स्वीकार कर लो नहीं राणा साहब राणा साहब आपने अपने घर की लक्ष्मी अपनी सबसे बड़ी पूंजी हमारे हवाले कर दी है हमें इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए नाज है हमें अपनी बहन की पसंद पर जिसने ऐसा घर चुना जिसमें रहने वालों के दिल संतोष और संस्कार की दौलत से भरे हैं अरे बाबा तुम दौलत की बात करता है लेकिन हमारा तो कंगाल होने का फुल चांसेस है नमस्ते राणा साहब नमस्ते क्या बात है रंगलानी बहुत परेशान लग रहे हो अरे परेशानी की बात यह है कि सीता नगर वाली पार्टी है ना उसका 10 लाख का चेक बाउंस हो गया सुबह से 10 बार फोन किया पार्टी फोन पर नहीं आती है मेरे को तो कुछ घोटाला लगता है राजा आज शाम की ट्रेन से तुमको सीता नगर जाना पड़ेगा मगर रंगलानी साहब मैं अपने भैया को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता अरे 2 दिन का तो बात है ना कौन सा जिंदगी भर के लिए अलग होना है मगर आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे सिवा भैया की देखभाल करने वाला कोई नहीं है कैसी बातें करते हो राजा क्या हम लोग मर गए हैं अरे 2 दिन के लिए हमारा समधी हमारे घर मेहमान बनकर रहेगा तो कुछ खातिरदारी करने का मौका मिलेगा ना हमें क्यों मधु जी भैया ठीक कह रहे हैं लेकिन मधु तुम नहीं जानते लेकिन वेकिन कुछ नहीं राजा जाओ जाने की तैयारी करो जाओ मधु ले जाओ चलो राजा
आपका रास्ता साफ कर दिया साईं, पकड़े को ले जाओ, कर डालो हलाल। नमस्ते राणा साहब। आओ नटवर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। भैया, जो हम सोच रहे हैं वो काम ही कर पाएगा? आपको यकीन नहीं हो रहा साहब, एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं। देख राजा, तू मेरे को गुस्सा मत दिला, मेरे को गुस्सा आ गया ना तो एक दूंगा। हाँ, क्या बात है भैया, क्या बात है, ये तो कमाल का कलाकार ढूंढ लाए आप। सुन नटवर जी, अगर तूने हमारा काम सही ढंग से कर दिया तो हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे, अगर एक बात याद रहे, अपनी हद मत भूलना, क्योंकि वो लड़की हमारी बहन है। मुझ पर विश्वास कीजिए राणा साहब, आपका काम हो जाएगा और वो पागल पागलखाने पहुंच जाएगा। शाबाश। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ सुन लिया है मैंने और अब समझ में भी आ गया है, उस दिन जो आपने समझौता किया था बिरजू के साथ वो एक धोखा था। लेकिन मैं आपको ऐसा नीच काम नहीं करने दूंगी, मैं अभी जाके मधु को सब कुछ बता दूंगी। खबरदार, अगर तूने अपनी जबान खोली तो अपने सुहाग से हाथ धो बैठोगी। नहीं। तो फिर अपना मुंह बंद रखना, समझी? अब तुम सो जाओ और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है, सो जाओ, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, सो जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। अच्छा ठीक है, मैं ही बैठ जाती हूँ, देखो मैं ही बैठी हूँ, तुम सो जाओ। सो जाओ। साधे, ये पागलपन का ढोंग रचाकर तूने अपने होने वाली भाभी के सिर पर हाथ डाला। मधु, मैंने क्या, कुछ नहीं, वो तो खिड़की से भाग गया, मैंने बचाया। सारे झूठ बोलता है, नहीं छोड़ूंगा। चल कुत्ते, चल, जामा करता है। मुझे मत, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम साधे, पागलपन का नाटक करता है। जलील इंसान, हमारी बहन की इज्जत पे हाथ डालता है, तेरे हाथ तोड़ूंगा कबीले, मार डालूंगा। मार डालोगे कैसे? भाभी, मुझे बचा लीजिए। साले, पागलपन का ढोंग करता है और रैम की भीख मांगता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़
अभी हट जाओ। भाई साहब पागल खाने में फोन कीजिए, अगर ले जाए इसे। डॉक्टर सिन्हा, मैं राणा महेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक पागल आपे से बाहर हो गया है, आप फौरन आइए और उसे ले जाइए। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। ये देखो मधु, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वैसे तो सीता नगर में कुछ मिलता नहीं, फिर भी राणा साहब के लिए शॉल और बिरजू भैया के लिए स्वेटर लाया हूं, अच्छा लगेगा ना उन पर। लेकिन बिरजू भैया है कहां? मधु बताओ ना, बिरजू भैया कहां है? आप लोग बताते क्यों नहीं? कहाँ है बिरजू भैया? बताइए ना बिरजू भैया कहाँ है? मधु तुम लोग चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं बिरजू भैया कहाँ है? भगवान के लिए बता दो मधु, बिरजू भैया कहाँ है? मैं बताता हूं, तुम्हारा भाई इस वक्त पागल खाने में। मेरा भाई पागल खाने में मधु? किसने भेजा? क्यों भेजा पागल खाने में? क्यों भेजा? उसने हरकत ही ऐसी की थी, मधु की इज्जत पर हाथ डाला था उसने। मेरे भाई ने जो कुछ भी कहा उसके एक एक शब्द में सच्चाई है। अरे लोग तो अपने छोटे भाई की पत्नी को बहू नहीं बेटी समझते हैं। उसी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की है तुम्हारे भाई ने। ये तुम कह रही हो मधु? तुम? हाँ मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो हादसा मैंने अपने आप पर बर्दाश्त किया था। पाप कर रही हो तुम, एक बेबस और लाचार इंसान पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाकर पाप कर रही हो तुम। अरे आसमान से आग बरस सकती है, जमीन से खून निकल सकता है, चांद सितारे टुकड़े होकर बिखर सकते हैं, लेकिन मेरा भाई कभी ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकता मधु, कभी नहीं कर सकता। इसमें जरूर किसी की साजिश है। खबरदार जो मेरे देवता समान भाइयों पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, अगर वो उस दिन वक्त पर नहीं आते ना तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। आज तुम्हें इस बात का फैसला करना होगा राजा, तुम्हारी जिंदगी में मैं रहूंगी या तुम्हारा वो पागल भाई। खबरदार जो मेरे भाई को पागल कहा। और रही बात फैसले की तो सुन, तो जैसी हजार लड़की मैं अपने भाई पर कुर्बान करता हूँ, समझी? जाओ, चले जाओ। मैं भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you. देखा विश्वा हमारे दिमाग का कमाल,
ये आशिक भी हमेशा के लिए दफा हो गया और हमारी बहन भी हमारे पास वापस लौट आई। बिरजू भैया, 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 ये लोग मुझे मार डाले, मुझे घर ले चले, मुझे घर ले, मुझे घर ले चले। कुछ नहीं होगा भैया आपको, मेरे होते आपको कुछ नहीं होगा। राजा, मैंने मैंने मधु की इज्जत पे हाथ नहीं डाला था। मैं जानता हूं भैया, आप ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। उन कमीनों ने आप पर ये इल्जाम लगाया, पर अब मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा भैया, सब ठीक हो जाएगा। मैं उन लोगों के फितरत से बहुत पहले से वाकिफ था मधु, वो तो तेरी खुशी की खातिर हमने अपने घुटने टेक दिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भैया। उसने उसने उस आदमी के लिए मुझे ठुकरा दिया जिसने मेरे साथ, लेकिन अब मैं आपको और दुख नहीं दूंगी। आप जहां जाए मेरा रिश्ता तय कर दीजिए। अरे बाबा, किसका रिश्ता तय हो गया? हमारा भी मुंह मिठा खड़ा हूं। नहीं कहो, रंगलानी कैसे आना हुआ? बड़ी ऐसा है नहीं कि हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, आप लोग आएंगा नहीं पार्टी में तो फोड़ मुंड लग जाएगा, मेरा मतलब है चार चांद लग जाएगा। देखो रंगलानी, हम लोगों का आना बहुत मुश्किल। हम जाएंगे भैया, जरूर जाएंगे। लो बाबा, पार्टी में जरूर से आना, आप भी आना साईं। भैया भैया, आपने तो कमाल कर दिया, यू आर ग्रेट, सिंपली ग्रेट। मत करो ना, ये हमारा आदमी है, उनको भेजियो। अरे आओ आओ महेंद्र प्रताप साईं, बाग हमारे, आप पधारे। भाई शादी की 25वीं सालगिरह मुबारक हो रंगलानी। थैंक यू जश्न का इंतजाम तो बहुत रंगीन किया है तुमने। सब तुम्हारी चरणों की धूल का वरदान है साईं। मुबारक हो रंगलानी साहब, भगवान करे ये दिन आपकी जिंदगी में हजार बार आए। अरे हजार साल का शराब क्यों देता है विश्वास साईं? 25 साल हमने कैसे गुजारा हमारा दिल जानता है। आओ आओ साईं, चाचो। हाय मधु, हाउ आर यू? ठीक हूं। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मेहमानों को दो। मधु, ये जगह बड़ी खूबसूरत है ना? जगह तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ बदसूरत चीजें भी हैं यहाँ। मुझे तो इस माहौल की हर चीज खूबसूरत लग रही है। अक्सर बाहर से खूबसूरत नजर आने वाली चीजें अंदर से बदसूरत और घटिया होती है। मुझे तो लगता है तुम्हारा मूड खराब है, मैं तेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक ले आती हूँ। ओके चल। अगर मूड ही खराब है तो सॉफ्ट ड्रिंक से कैसे बदलेगा? हे व्हाइट शर्ट, हे यू व्हाइट शर्ट। हाँ हाँ, मैं तुम्हें से कह रही हूँ, गेट मी ड्रिंक फास्ट। देखो मैं कोई बड़ी मैंने क्या करता है, छोकरी ड्रिंक मांगती है, देव नहीं। ओके सर, लाता है लाता है। अरे वेटर, देखो मधु, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं। Shut up and pour it, just pour it. हमदर्दी जताता है मुझसे? नहीं मधु, मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? छोड़ दो
नजर कह रही हैं आप भाभी? हाँ राजा, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें और मधु को अलग करने की साजिश मेरे पति और मेरे देवर की है, और इस काम को पूरा करने वाला है वो कमीना नटवर। मुबारक हो सेठ जी, सुना है बिरजू को पागल खाने भेज चुके हैं आप, हमारा इनाम कब मिलेगा? इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेरे भाई पर इल्जाम लगाता है। बता, बता क्या सच सच क्या? बता। बता दो, राजा मैं सब बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। चल हरामजादे, जब मधु के सामने अपना गुनाह कबूल करना होगा। चल, चल। चाबी निकाल, चाबी निकाल, निकाल चाबी। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। मधु, मधु, मधु! अरे बाप का घर है जो गुस्सा चला रहा है, निकल यहाँ से, निकल! मेरे को मधु से कहा, मेरा भाई राजा, मधु, 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 मधु राजा को बचा ले, मेरे राजा को बचा ले, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको बचा लो मधु, उसको बचा लो, उसको बचा लो मधु। ओ, अब समझी तू यहाँ किस लिए आया है? ये जरूरत तुझे यहाँ खींच लाई है ना? ले, ये इतने रुपए हैं जिससे तू अपने भाई की जिंदगी खरीद सकता है। ले इसे। मैं ये पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। राजा तुझे देखना चाहता है, उसके ऑटो में तेरा नाम है मधु, वो तुझे चाहता है, तू उसकी जिंदगी है। चल चल, वक्त बहुत कम है मधु, चल चल मधु। छोड़ मेरा हाथ, उस आदमी की जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं है जिसने जिसने मुझे जीते जी मार डाला। मेरा और उसका रिश्ता खत्म हो चुका है, चला जा यहाँ से। मधु चला जा। ए पागल, सुना नहीं मेरी बहन ने क्या कहा? दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसकी आखिरी आस थी, तूने ही मुंह फेर लिया। अब मैं कहां जाऊंगा, क्या करूंगा मैं? मेरा राजा मर जाएगा, मेरा भाई मर जाएगा, मेरा राजा मर जाएगा।
तूने जो उसे धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया, ऐसा ही करना चाहिए था तुझे, और ये करके तूने साबित कर दिया कि तू इन्हीं की बहन है, एक ही नस्ल के हो तुम लोग, क्योंकि जो गंदा खून इनकी रगों में है वही तेरी रगों में दौड़ रहा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सुमित्रा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, बल्कि वो तेजाब उगल रही हूँ जो तुम्हारी शराफत का नकाब जलाकर इसे तुम्हारा घिनौना रूप दिखाए। तो फिर रोक ले इस तेजाब को, वरना कहीं ये तेरे मंगल सूत्र की डोर को जलाकर राख न कर दे। जब से दुनिया बनी है ना, आदमी औरत को इसी डोर की धमकी देता आया है, और औरत बेचारी चुपचाप सहन करती आई है। तुम भी मुझे इस मंगल सूत्र की धमकी दे रहे हो ना, तो लो आज मैं अपने आप को इस बंधन से मुक्त करती हूँ। अब तुम मुझे सच्चाई कहने से रोक नहीं सकते। मधु, तू नहीं जानती तेरे भाइयों ने तेरे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा है। सुमित्रा, जिन हाथों पर तूने राखी बांधी थी उन्हीं हाथों से इन लोगों ने तेरी खुशियों का गला दबोचा है। सुमित्रा, अब एक शब्द और कहा तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। काट महेंद्र प्रताप, काट, तेरी तलवार से ज्यादा तेज हूं मैं आज, हिम्मत है तो काट के बता, काट। तू नहीं जानती मधु, अपनी हार को जीत में बदलने के लिए इन्होंने तेरी शादी राजा से तय तो की थी, मगर वो सब एक दिखावा था, नाटक था। उस रात तेरी इज्जत पर हाथ डालने वाला बिरजू नहीं, तेरे भाइयों का भेजा हुआ भाड़े का टट्टू था। इतना ही नहीं, इन जालिमों ने अपने बचाव के लिए राजा को मार डालने की पूरी कोशिश की, ताकि उसकी मौत से तुम दोनों के प्यार की आखिरी कड़ी भी टूट जाए। दिन आप लोगों का प्यार देखकर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हर जन्म में मुझे तुम जैसे भाई मिले, लेकिन आज तुम्हारा असली रूप देखकर मैं भगवान से दुआ मांगती हूं कि जिस घर में तुम जैसे भाई हो वहां कोई बहन जन्म न ले। और तुम जैसे भाइयों के लिए मैंने अपने प्यार को ठुकरा दिया। नहीं, मैं जाऊंगी, अपने राजा के पास मैं जरूर जाऊंगी। तुम इस चौखट से बाहर नहीं जाओगी। सुना नहीं तुमने? तुम इस चौखट से बाहर नहीं जाओगी। जरूर जाऊंगी। तो फिर इस घर से तेरी लाश ही जाएगी। छोड़ दो मुझे। भैया, जाने दे इसे विश्वा। क्या आप होश में जाए भाई साहब? आज होश आया है मुझे, आंखें खोल दी है मेरी सुमित्रा ने, हर गलती का एहसास दिला दिया है मुझे। जाने दे इसे विश्वा, जाने दे। आप हार मान सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जिद के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा, नहीं जाने दूंगा इसे। नहीं विश्वा, खबरदार जो इसका रास्ता रोका, छोड़ दे इसे। जा मधु जा, हम खुद गर्ज भाइयों की जिंदगी से दूर चली जा, और फिर कभी लौट कर मत आना। जा बसा ले अपना घर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा बेटी जा, जा। तू जा रही
थी ना, अब जाके दिखा। मैं कहता हूँ जाके दिखा। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी अपने राजा के पास, चाहे तुम मुझे भी गोली मारो। नहीं नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तेरे दिल और दिमाग से उस हरामजादे का नाम मिटा दूंगा। कोशिश करके देख लो, नाकाम रहोगे। मुझे चुनौती देती है तू? अब लेके दिखा उसका नाम। राजा, राजा, विश्वा, छोड़ दे, जाने दे। हट जा यहाँ से। एक बार क्या, हजार बार कहूंगी, राजा राजा राजा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं तेरी वो हालत कर दूंगा कि तू अपने आशिक का नाम तक नहीं ले सकेगी। भगवान ने मर्द को इतनी ताकत नहीं दी कि वो औरत का इरादा तोड़ सके, और आज ये सच्चाई तुम भी देख लोगे। क्या जबान चलाती है तू? चाहे तू जान ले ले टुकड़े हजार करके, उसका ही नाम लेंगे मेरे लहू के कतरे। जिन रगों में उस हरामजादे की मोहब्बत खून बनकर दौड़ रही है, आज उस जिस्म को ही जला डालूंगा मैं, जला डालूंगा मैं, जला डालूंगा मैं, जला डालूंगा। लड़की भी है, अग्नि भी है, मुराद 25 अक्टूबर भी है। लगा फेरे, फेरे लगा। गठबंधन का हक तो बड़े भाई का होता है। Some of the world, living number may be one.
बचा मुझे। तेरी यही सजा है, कोई नहीं बचाएगा तुझे। नहीं राणा साहब, इसकी मौत हमारा मकसद नहीं, इसका प्रायश्चित ही हमारी जीत है। देख, तेरे इतने जुल्म करने के बाद भी इसने तुझे क्षमा कर दिया। चलो उठ, इससे माफी मांग। मुझे माफ कर दो बिरजू भैया। और ब्रजनाथ, मैं भी तेरा गुनहगार हूं, मुझे भी माफ कर दे। आज मुझे यकीन हो गया कि शादी ब्याह के रिश्ते स्वर्ग में ही तय होते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती, कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। नहीं जाने दूंगा इधर से, नहीं मनाने दूंगा हनीमून। दूसरी बार पागल खाने से भाग कर आया हूँ, अब तो बता दो वो बात क्या थी, बताओ। जरा यहाँ आइए, जल्दी बताइए। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मेहरबानी करके बताइए वो बात कौन सी थी। ठीक है, दरअसल बात यह है कि नहीं जाने दीजिए, आपको गुस्सा आ जाएगा। मुझे गुस्सा नहीं आता, मैंने कहा ना। अच्छा अच्छा, बताती हूँ, मेरे उनसे पूछ के बताती हूँ। किसी से भी पूछिए, मगर बताइए। राजा ये पागल है, मौका देखते ही गाड़ी भगा देना। जी बात यह है कि अरे बेईमान औरत,